लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व MLC मणिशंकर पांडे के द्वारा मुरादाबाद मंडल लोजपा की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में 5,00,000 लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य बनाने हैं, जिसमें जिले व मंडल स्तर पर लोजपा का कार्य चल रहा है। जिला अध्यक्षों की सदस्यता बुक दी जा रही है। बैठक में बोलते हुए कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, उससे पहले होने वाली सभी चुनाव लड़े जाएंगे। मीटिंग और क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? मेरा पहले तो परिचय दे दूं, मेरा नाम मणिशंकर पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आज मुरादाबाद मंडल की बैठक हो रही है, इस मंडल में जितने जिले हैं उसके सब अध्यक्ष या पदाधिकारी युवा के हों चाहे लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य हों। मैं उत्तर प्रदेश में, हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम उत्तर प्रदेश में 5,00,000 लोक जनशक्ति पार्टी का सदस्य बनाएंगे। ये 2020 तक हम इसको पूरा करने का अपना ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में हम लगभग 1,00,000 के करीब, नवंबर में मैं अध्यक्ष हुआ था, अब तक 1,00,000 सदस्य बना चुके हैं। 4,00,000 सदस्य हमको बनाने हैं, 2020 तक हम इसको अपना टारगेट बनाकर रखेंगे। आज मैं मुरादाबाद में आया हूँ, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के अपने युवा के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आगे 2020 में जो स्थानीय चुनाव आएगा, जिसमें जिला परिषद के चुनाव होंगे, उसमें हमारी पार्टी के सदस्य जिला परिषद में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरेंगे, और उस चुनाव में उतरने के बाद हम लिखेंगे, आकलन करेंगे कि हमारी स्थिति 2022-23 के लायक कितना आगे बढ़ी है, कितना नहीं बढ़ी है। क्योंकि मैं NDA के गठबंधन का हिस्सेदार हूँ, हमारा केंद्र में गठबंधन है, राज्य में मेरा कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश का दौरा करके NDA को जिताने के लिए प्रयास किया और 64 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा में मिली, मैं समझता हूँ कि उनके अथक प्रयास का और सहयोग का परिणाम रहा है। हम आज भी चाहते हैं कि हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और हम उनके साथ 22 का भी चुनाव लड़ें, और उस चुनाव में हम भी भागीदारी हो और हमारी पार्टी के लोग भी विधानसभा में पहुँचे।